किंग खान के बेटे आर्यन खान ड्रग केस के चलते हफ्ते भर से एनसीबी के चंगुल में फंसे हुए हैं। आर्यन खान को शनिवार देर रात मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में हुई छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया। आरोप है कि उस क्रूज में ड्रग पार्टी हो रही थी। लंबी पूछताछ के बाद रविवार को आर्यन को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आर्यन को पहले दिन फिर 7 अक्टूबर को और कल यानी कि 7 अक्टूबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 8 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। जी हां, आपको बता दें कि इस खबर के बाद अब पूरा बॉलीवुड आर्यन के बचाव में उतरा है। जी हां, इस लिस्ट में सोमी अली का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि सोमी अली सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आर्यन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि कौन सा बच्चा है जिसने ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इस बच्चे को घर जाने दो। ड्रग्स और वैश्यावृत्ति कभी खत्म नहीं होने वाली, इसीलिए उन्हें अपराध के रूप में मानना बंद करें। ये एक बच्चे के बच्चे होने का सीन है, कोई भी यहाँ पर संत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने 15 साल की उम्र में गांजा ट्राई किया था और फिर फिल्म आंदोलन के सेट्स पर दिव्या भारती के साथ दोबारा पिया था, मुझे कोई पछतावा नहीं है। इससे पहले शशि थरूर, सुनील शेट्टी, सुजैन खान, ऋतिक रोशन ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। वहीं सलमान खान, महीप कपूर, नीलम कोठारी, सीमा खान, गौरी और शाहरुख खान के घर भी पहुंच चुके हैं। जी हां, तो सोमी अली का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहना है आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।